जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी। ये जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, इनके भविष्य के साथ बीजेपी खिलवाड़ कर रही है। और न केवल इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि अगर इनका भविष्य नहीं बना तो बताओ आने वाली पीढ़ी का भविष्य क्या होगा। न इनके हाथ में नौकरी है, न रोजगार है। और क्या सपना दिखा रहे हैं कि अग्निवीर से फौज मजबूत हो जाएगी। हम नौजवान साथियों से कहना चाहते हैं कि आप भौसी की विधानसभा जिताओ, 24 का चुनाव जिताओ, जो फौज की भर्ती होती थी पहले तरह से, पक्की नौकरी, पक्की वर्दी। ये आधी अधूरी नौकरी, 4 साल की वर्दी से कोई देश की सेवा नहीं होगी। हमारा नौजवान पूरी जीवन भर वर्दी पहन करके, पक्की नौकरी कर करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। बताओ आधी अधूरी नौकरी से कोई सेवा होगी। इसलिए नौजवानों, जहां किसानों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया इन्होंने, नौजवानों का भविष्य अंधेरे में, इनसे ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। जो लोग लाल किले से झूठ बोलते हों, लखनऊ से झूठ बोलते हों, बताओ उन पर भरोसा करोगे आप? ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग भाईचारा नहीं चाहते, ये लोग चाहते कि समाज में दरार बनी रहे, दरार समाज में हिंदू मुस्लिम की दरार बन जाए, सिख ईसाई की दरार बन जाए। और जब कामयाब नहीं होते तो जातियों के बीच में दरार डालते हैं, जातियों के बीच में, ये जातियों को तोड़ करके दरार डालते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी का आपने वो गणित तो सुना ही होगा विधानसभा का, कि 46 में 56। ये लोग वो हैं जो जातियों में दरार डालते हैं, धर्म के बीच में दरार डालते हैं। इसलिए आपको इनसे सावधान रहना पड़ेगा।